2018 में आईफोन ने अपने एक नए थीम फोन को लॉन्च किया, साथ में अपने एक एप्पल वॉच को भी लॉन्च किया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आईफोन के जो सबसे सस्ता वेरिएंट है 10R के बारे में, जो कि एक ऐसा फ़ोन है जो कि बजट सेगमेंट का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आईफोन के हिसाब से वो बजट सेगमेंट का फ़ोन है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन के दो अन्य मॉडल, जो कि आईफोन 10S है और 10S मैक्स है। जब आईफोन ने अपने तीनों फ़ोनों को लॉन्च किया तो उसमें हम लोगों ने ये जाना कि अब जो आईफोन के जो डिस्प्ले हैं वो बड़े बड़े डिस्प्ले के साथ आते हैं, और आईफोन ने अपने ट्रेडिशनल रूल को भी फॉलो किया कि वो हर साल कुछ नया लेके आती है। लेकिन इस साल आईफोन्स के मॉडल्स में कुछ ज़्यादा बेहतरीन हमें देखने को नहीं मिला। बस कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो उसने इस साल भी अच्छे मॉडल्स को उतारा है मार्केट में, और प्राइस को देखा जाए तो इस साल आईफोन्स के प्राइस पिछले साल के कंपेरिजन में ज़्यादा ही हुए हैं। लेकिन फिर भी उस हिसाब से, जिस हिसाब से आईफोन्स की प्राइसिंग अभी है वो उसमें सूट करते हैं या नहीं करते हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आईफोन 10R के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 10S और 10S मैक्स के बारे में बताऊंगा। पहली बात कि आईफोन 10S जो है वो पिछले साल आए आईफोन 10 का एक अपग्रेड वेरिएंट है, और आईफोन 10S मैक्स जो है वो उसका बड़ा वेरिएंट है। इसमें जो सबसे खास बात है कि 10R में आपको सिर्फ LCD पैनल मिलता है, लेकिन आईफोन 10S और 10S मैक्स में आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, साथ में आपको 3D टच मिलती है जो कि आईफोन 10R में आपको नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 10S और आईफोन 10S मैक्स के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आईफोन ने 2017 की तरह अपने इस साल भी तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च किए, आईफोन 10R, आईफोन 10S और आईफोन 10S मैक्स। साथ में इस साल आईफोन ने जो अपने टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो मॉडल्स में, वो है डुअल सिम सपोर्ट। डुअल सिम सपोर्ट इस साल आईफोन ने अपने तीनों फ़ोनों में दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पहला सिम काम करेगा वो तो फिजिकल काम करेगा, लेकिन जो दूसरी सिम होगी वो फिजिकल नहीं होगी, वो ई सिम सपोर्ट करेगी। यानी कि एक सिम जो आपका रहेगा वो फिजिकली जैसे आप आईफोन्स में देखते आ रहे हैं उसकी एक ट्रे होगी, लेकिन जो दूसरी सिम होगी वो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रे नहीं है, वो आपको डिजिटली उसमें सपोर्ट होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी ड्यूअल सिम आप उसमें यूज करेंगे, तो एक सिम तो आप उसमें जो जनरली आप इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरी सिम होगी वो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर उसमें वो डिजिटल तरीके से डाल देंगे, जिससे कि आप आईफोन में दो सिम का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। बट 10S और 10S मैक्स में आपको जो स्टोरेज वेरिएंट मिलेगी वो इस बार हटके है। जो सबसे बेसिक वेरिएंट है वो है 64 GB का, और जो दूसरी वेरिएंट है वो आएगी 256 GB की, और जो तीसरी वेरिएंट है वो आएगी 512 GB की, यानी कि 512 GB की स्टोरेज होगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आईफोन ने अपने 10S और 10S मैक्स में इस बार 128 GB स्टोरेज की छुट्टी कर दी है। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आईफोन्स ने अपने स्टोरेज को इस बार बहुत अच्छे से बढ़ाया है। बट आईफोन्स ने इस बार रैम के बारे में कोई भी बात नहीं की है, लेकिन जहाँ तक मार्केट को देखा जा रहा है उस हिसाब से इस बार आईफोन में 4 GB रैम आने की संभावना है। अब बात करते हैं आईफोन के प्राइसिंग की। तो आईफोन 10S का जो बेस वेरिएंट का जो प्राइस होगा वो होगा $999, यानी कि लगभग देखा जाए तो 99,000 के आसपास भारत में लॉन्च हो सकती है। और जो 10S मैक्स है उसकी प्राइस है लगभग $1099, क्योंकि भारत में इसकी प्राइस 1,09,900 रुपये के आसपास होगी। अब ये सिर्फ अंदाज़ा है, जब भारत में ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा तो तभी मैं इसके बारे में कीमत के बारे में बोल सकता हूँ। बात करते हैं इस बार आने वाले मॉडल्स के कलर की। तो वो पहले की तरह तीन रंग में आएंगे, पहला है स्पेस ग्रे, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है गोल्ड। लेकिन इस बार जो गोल्ड में जो आपको वेरियंट मिलेगी वो थोड़ी सी हटकी होगी, जो आपको पसंद आएगी, जो एक पूरी तरह से न्यू डिज़ाइन के साथ है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस बार आपको 10S में 5.8 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो रेटिना डिस्प्ले के साथ आएगा, और 3D टच भी इसमें रहेगी। और 10S मैक्स में आपको 6.5 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले OLED के साथ मिलेगी, और ये भी आपको 3D टच सपोर्ट के साथ आती है। अब बात करेंगे इसकी प्रोसेसर की। तो इसमें इस बार अपग्रेड होकर के A12 आया है, जो बायोनिक चिप के साथ आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो है गौर करने वाली वो है कि इसमें 7 नैनोमीटर का चिप लगा होगा, जो कि अभी तक के मोबाइल के मार्केट में इतना फास्ट प्रोसेसर किसी फ़ोन में नहीं मिला है। और इसमें 6 कोर का CPU होगा और 4 कोर का GPU होगा,
जिससे कि ये फ़ोन बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगी। अब जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें रैम को लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जहाँ तक मार्केट में देखा जा रहा है ये 4 GB रैम हो सकती है। इसकी यदि बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको स्टील की बॉडी मिलेगी जो मिलिट्री ग्रेड के साथ होगी। इस फ़ोन में जो इस बार सबसे क्रांतिकारी बदलाव किया गया है कि इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर यानी कि टच आईडी नहीं दी गई है। आपको 10S और 10S मैक्स में दोनों में ही इस बार टच आईडी नहीं दी गई है, यानी कि आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दोनों फ़ोन पूरी तरह से फेस आईडी पे डिपेंड करते हैं इस बार, और फेस आईडी इस बार सेकेंड जनरेशन की, जैसा कि एप्पल कंपनी ने बताया। इस बार इसके फेस आईडी को बेहतर तरीके से काम करने के लिए कंपनी ने इसमें डाला है इंफ्रारेड सेंसर, प्रोप्राइटरी हार्डवेयर एंड एल्गोरिदम के बल पे ये अपनी फेस आईडी को मजबूत करती है। और जहाँ तक बात है वाटरप्रूफ की, तो ये फ़ोन IP68 सर्टिफाइड के साथ आता है, और इसमें साउंड के लिए दिया गया है स्टूडियो साउंड। अब बात करते हैं इसके कैमरे को, तो 10S और 10S मैक्स में इस बार आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है जो कि 12+12 के लाइनअप में आपको मिलेगी। रियर कैमरे में आपको वाइड एंगल लेंस के साथ साथ आपको जो अपर्चर मिलेगा वो रहेगा 1.8, और जो सेकेंडरी कैमरा होगा उसका अपर्चर होगा 2.4, और साथ में यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आप इससे एक बेहतर तरीके से वीडियो शूट कर पाएंगे। साथ में आपको बेहतर ट्रू टोन फ्लैश भी आपको मिलता है, और फ्रंट में आपको मिलता है सिंगल कैमरा जो कि 7 MP के साथ लैस होगा और जिसकी अपर्चर होगी 2.2। तो ये थे आपके iPhone XS और 10S Max के फीचर्स। बाकी डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में धीरे धीरे बताता रहूँगा जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट्स आती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको कुछ कहना हो तो कृपया इसे कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।